हेलो आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा भारती क्लासेस में वैष्णव सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा आठ विषय गणित अध्याय तेरह सीधा और प्रतिलोम समानुपात के सवालों को हल करना सीखेंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें चले वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक एक चौदह मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया दस मीटर है समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया पंद्रह मीटर है तो सबसे पहला काम अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इसको मान लेंगे माना पेड़ की ऊंचाई बराबर x मीटर अब इसके बाद देखिए इस प्रश्न को हमको हल करने के लिए एक टेबल बनाने की जरूरत है तो हम टेबल बना लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको टेबल बना लेना है ऊंचाई मीटर में और छाया की लंबाई मीटर में अब देखिए सवाल में लिखा है चौदह मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया की लंबाई कितना है दस मीटर तो चौदह मीटर ऊंचे को हम ये ऊंचाई वाले लाइन में लिख देंगे फिर इसके बाद छाया की लंबाई कितनी है दस तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे अब उसी तरह पेड़ में आ जाते हैं उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया कितनी लंबाई की है पंद्रह मीटर तो छाया हमको दिया है पंद्रह मीटर दिया है अब देखिए उस पेड़ की ऊंचाई हमको नहीं पता है हम उसको मान लिए हैं कि माना पेड़ की ऊंचाई x मीटर है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे इसको x मीटर लिख लेंगे अब इसके बाद इस सवाल को आपको हल करना है तो इसको आप किस प्रकार से लिख लेंगे चौदह है बटे दस लिख लेंगे फिर इसके बाद बराबर अब इसको लिख लेंगे हम एक बटे पंद्रह फिर इसके बाद आपको क्या काम करना है इनका तिरियक गुड़ा कर देना है इस प्रकार से तो तिरक गुड़ा कर देंगे तो यक्स का गुड़ा दस के साथ होगा तो यह हो जाएगा गुड़े दस बराबर फिर इसके बाद पंद्रह का गुड़ा चौदह में कर देंगे तो ये हो जाएगा चौदह गुड़े पंद्रह अब इसके बाद क्या काम करते हैं हम इस संख्या को लिख लेते हैं चौदह गुड़े पंद्रह अब देखिए दस का x के साथ गुड़ा है इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा अब इसे पाँच की टेबल से काट देते हैं दूनी दस ये कट गया पाँच त्याई पंद्रह ये कट गया फिर इसके बाद दो की टेबल से ये कट जाएगा दूस चौदह ये कट गया तो हमको x का मान कितना बच गया सात बचा और तीन तो इसको लिख लेंगे सात गूढ़े तीन अब देखिए दोनों संख्याओं का गुड़ा करेंगे 21, अब इसको नीचे लिख लेंगे आता है, पेड़ की ऊंचाई बराबर हम कितना माने थे x माने थे और x का मान कितना आ गया इक्कीस तो ये हो गया इक्कीस मीटर ये आ गया हमारा उत्तर अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक दो एक रेलगाड़ी पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रही है पहला वह बीस मिनट में कितनी दूरी तय करेगी दूसरा दो सौ पचास किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए तो इस सवाल को हल करने के पहले हम क्या करते हैं एक टेबल बना लेते हैं इस तरह से आप टेबल बना लेंगे यहाँ तय की गई दूरी लिख लेंगे किलोमीटर में और यहाँ पर लिया गया समय मिनट में अब देखिए एक रेलगाड़ी पचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटे में रेलगाड़ी पचहत्तर किलोमीटर की यात्रा तय करती है तो यहाँ पर देखिए तय की गई दूरी तो दूरी में हम कितना लिख लेंगे पचहत्तर लिख लेंगे फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटे में पचहत्तर किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है रेलगाड़ी तो समय हमको यहाँ पर घंटे में दिया है और यहाँ पर हम समय किस में लिए हैं मिनट में लिए हैं इसलिए हम एक घंटे को क्या लिख लेंगे साठ मिनट क्योंकि एक घंटे में साठ मिनट होते हैं अब इसके बाद पहले भाग को हम हल करते हैं तो देखिए पहले भाग के प्रश्न में क्या कह रहा है वह बीस मिनट में कितनी दूरी तय करेगी तो बीस मिनट में कितनी दूरी तय करेगी मतलब समय हमको कितना दिया है बीस मिनट दिया है अब बीस मिनट में कितनी दूरी तय करेगी हमको ये ज्ञात करना है हम नहीं जानते तो यहाँ पर क्या करेंगे मान लेंगे कि माना एक दूरी तय करेगी और उसको यहाँ पर लिखेंगे माना 20 मिनट में तय की गई दूरी बराबर एक्स अब इसको हम हल कर लेते हैं जैसे पूर्व सवाल में हम हल किए थे तो चलिए इसको बटे में लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पचहत्तर बटे साठ फिर इसके बाद बराबर इसको भी बटे के रूप में लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक बटे बीस अब इसका भी हम क्या करेंगे तिरक गुड़ा करेंगे एक्स का गुड़ा साठ के साथ पचहत्तर का गुड़ा बीस के साथ तो चलिए कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स गुड़े साठ बराबर बीस का गुड़ा पचहत्तर के साथ तो बीस गुड़े पचहत्तर इस प्रकार से लिख लेंगे अब साठ का यहाँ पर गुड़ा है इसको पक्षांतर करके हम इस तरफ ले आते हैं तो कितना हो जाएगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे बीस गुड़े पचहत्तर अब ये साठ का गुड़ा था इधर आया तो भाग में हो गया अब देखिए ये शून्य से ये शून्य क्या होगा कट जाएगा और दो तियाई कट जाएगा फिर तीन से हम पचहत्तर को काट देते हैं तीन दुनी छ एक बच गया तो ये कितना हो जाएगा पंद्रह तीन पचे पंद्रह तो कटने के बाद हमारे पास एक्स का मान हमको कितना प्राप्त हो गया पच्चीस अतः बीस मिनट में तय की गई दूरी बराबर हम x माने थे और x का मान कितना प्राप्त हो गया पच्चीस तो ये आ गया हमारा उत्तर अब आ जाते हैं इसके अगले भाग में अब देखिए दूसरे भाग में हमको दो सौ पचास किलोमीटर की दूरी तय करने में अब हमको दो सौ पचास किलोमीटर की दूरी तय करना है तो दूरी वाले कालम में हम कितना लिख लेंगे 250 फिर देखिए 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है तो लिया गया समय में हम क्या करते हैं इसको वाई मान लेते हैं और यहाँ पर लिख लेंगे माना लगा समय बराबर वाई अब इसके बाद देखिए हम इसको हल कर लेते हैं तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे पहला भाग ले लेंगे और तीसरा भाग इन दोनों को हम बटे के रूप में लिख लेंगे पच्छत बटे साठ बराबर दो सौ पचास बटे वाई अब इसका भी हम क्या करेंगे तिरिया गुड़ा कर लेंगे तो वाई का गुड़ा पचहत्तर के साथ तो यहाँ लिख लेंगे वाई गुड़े पचहत्तर बराबर अब साठ का गुड़ा दो सौ पचास के साथ तो हो जाएगा साठ गुड़े दो सौ पचास अब देखिए यहाँ पर पचहत्तर का गुड़ा है इसको पक्षांतर करके हमको उस तरफ ले जाना है तो पहले हम क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं साठ गुड़े दो सौ पचास अब पचहत्तर का गुड़ा था इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा अब इसे हम काट देते हैं तो देखिए पच्चीस तिहाई क्या होता है पचहत्तर फिर पच्चीस एकम पचीस और पच्चीस शून्यम शून्य तो ये कट गया फिर इसके बाद तीन से काट देते हैं तीन दूनी छ और तीन शून्य शून्य तो ये कट गया तो हमको y बराबर यहाँ से बीस बचा और यहाँ से दस तो लिख लेंगे बीस गूढ़े दस अब इन दोनों का गुड़ा कर देते हैं तो बीस दाहम कितना होता है दो सौ अब ये आ गया हमारा समय दो सौ मिनट y बराबर अब देखिए जो ये 200 मिनट है आप इसे चाहें तो घंटे में बदल कर लिख सकते हैं क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो तीन घंटे में 180 मिनट हो गए तो इसको हम लिख सकते हैं तीन घंटे 20 मिनट तो ये आ गया हमारा क्या उत्तर आ गया अब इसको हम नीचे लिख लेंगे लगा समय बराबर तीन घंटे बीस मिनट अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक तीन किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतल छः घंटे में भरती है हमको ये ज्ञात करना है कि पाँच घंटे में कितनी बोतलें भरेगी तो पूर्व की भांति पहले हम टेबल बना लेते हैं तो इस तरह से हम टेबल बना लिए हैं अब देखिए इस सवाल को हल करते हैं यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है मशीन पाँच घंटे में कितनी बोतलें भरेगी तो हम मान लेंगे माना पाँच घंटे में भरी बोतलों की संख्या बराबर एक अब इसके बाद टेबल में मानों को रख लेते हैं तो देखिए 840 बोतल भरने में कितने घंटे का समय लगता है छः घंटे का समय लगता है तो समय हम ऊपर लिखे हैं तो यहाँ पर समय छः घंटे लिख लेंगे और भरी हुई बोतलों की संख्या छः घंटे में कितनी बोतलें भरती हैं आठ सौ चालीस तो यहाँ पर हम आठ सौ चालीस लिख लेंगे फिर देखिए वह मशीन पाँच घंटे में समय हमको दिया है पाँच घंटे पाँच घंटे में कितनी बोतलें भरेगी तो हम यहाँ पर मान लिए हैं कि पाँच घंटे में भरी बोतलों की संख्या कितनी है एक है अब चलिए इसको हल कर लेते हैं हल करने के लिए हम इसे क्या करेंगे बटे के रूप में लिख लेंगे छः बटे आठ सौ चालीस बराबर पाँच बटे एक्स अब इसके बाद क्या काम करना है इसका पियक गुड़ा कर देंगे तो यक्स का गुड़ा छ के साथ होगा हो तो जाएगा छूढ़े एक बराबर 840 का गुड़ा पाँच के साथ होगा 840 सौ चालीस गुड़े पाँच अब देखिए छ का यहाँ पर गुड़ा है इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा अब इसे काट देते हैं तो देखिए छः से काटते हैं छः एक कम छः दो बच गया इसका तो ये बन जाएगा चौबीस छः चौके चौबीस छः शून्यम शून्य तो ये कट गया तो हमारे पास कितना बचेगा बराबर एक गुड़े पाँच। अब क्या करेंगे एक में हम पांच का गुड़ा कर देंगे तो गुड़ा करने पर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा सात सौ अब इसको नीचे लिख लेंगे अतः पांच घंटे में मशीन द्वारा भरी गई बोतलों की संख्या कितना प्राप्त हो गई हमको सात सौ ये आ गया हमारा उत्तर अब आ जाते हैं अगले सवाल पर प्रश्न क्रमांक चार रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में एक सेंटीमीटर की दूरी अठारह किलोमीटर निरूपित करती है वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से बहत्तर किलोमीटर की दूरी तय करती है उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी तो इस सवाल को हल करने के पहले हम टेबल बना लेते हैं तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे मानचित्र में दूरी और नीचे लिख लेंगे वास्तविक दूरी किलोमीटर में अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सेंटीमीटर की दूरी कितना है अठारह किलोमीटर तो ये एक सेंटीमीटर क्या है मानचित्र की दूरी है तो यहाँ पर हम एक लिख लेंगे और वास्तविक दूरी कितना है अठारह किलोमीटर तो यहाँ पर हम अठारह लिख लेंगे फिर देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं आगे वह सड़क पर अपनी गाड़ी से बहत्तर किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ये वास्तविक दूरी है तो यहाँ पर हम बहत्तर लिख लेंगे फिर इसके बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी ये हम नहीं जानते तो यहाँ पर माना रश्मि के द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में इसको हम एक मान लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे यक्स अब इनको पूर्व की भांति हम बटे के रूप में लिख लेंगे एक बटे अठारह बराबर एक बटे बहत्तर अब इसका क्या करना है हमको तिर गुड़ा कर देना है तो x का गुड़ा अठारह में होगा तो ये हो जाएगा अठारह बराबर फिर बहत्तर का गुड़ा एक में होगा तो एक गुड़े बहत्तर इस प्रकार से हम तिर गुड़ा कर लेंगे अब तिर गुड़ा करने के बाद हमको क्या काम करना है यहाँ पर देखिए अठारह का एक के साथ गुड़ा है तो इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आग हो जाएगा। अब इसके बाद हम 18 का टेबल पढ़ेंगे। तो 18 चौके बहत्तर तो ये क्या होगा कट जाएगा। तो हमको x का मान कितना प्राप्त हो गया? एक गुड़े चार चार का एक में गुड़ा कर देंगे। तो x बराबर चार। ये आ गया हमारा उत्तर। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक पांच। यदि मोटे कागज की बारह सीटों का भार चालीस ग्राम है तो ऐसे ही कागज की कितनी सीटों का भार दो सही एक बटे दो किलोग्राम होगा ये हमको ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है हमको सीटों की संख्या ज्ञात करना है हम नहीं जानते तो यहाँ पर मान लेंगे माना सीटों की संख्या बराबर एक्स अब इसके बाद प्रश्न में देखिए बारह सीटों का भार आपको कितना दिया है चालीस ग्राम दिया है और यहाँ पे भार हमको क्या दिया है किलोग्राम में दिया है तो इस किलोग्राम को हमको ग्राम में बनाना पड़ेगा क्योंकि एक में मात्रक हमको ग्राम में दिया है और एक में मात्रक किलोग्राम में दिया है तो इसको हम क्या करेंगे पहले ग्राम में बना लेते हैं और ग्राम में बना करके सीट का भार निकाल लेते हैं सीटों का भार बराबर हमको कितना दिया है दो सही एक बटे दो अब देखिए ये किस में दिया है हमको मात्रक किलो ग्राम में दिया है और इसको हमको किस में परिवर्तित करना है ग्राम में परिवर्तित करना है तो सबसे पहला काम ये हमको मिस्र भिन्न में भी दिया है तो इसको साधारण भिन्न में बनाएंगे दो दूनी चार चार में एक जोड़ेंगे तो पाँच तो ये हो जाएगा पाँच बटे दो अब ये किलोग्राम को हमको ग्राम में बनाना है तो ग्राम में बनाने के लिए हम इसमें क्या काम करेंगे एक हजार का गुड़ा कर देंगे और एक हजार का गुड़ा करने से ये किस में बदल जाएगा ग्राम में बदल जाएगा अब यहाँ से देखिए काट देते हैं दो तो पंचे दस दो शून्यम शून्य दो शून्यम शून्य ये कट गया तो कटने के बाद हमारे पास कितना बचा पाँच और कितना बचा पाँच सौ अब इन दोनों का गुड़ा कर देते हैं तो पाँच सौ में पाँच का गुड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा पच्चीस सौ अब ये हमारा मान किस में आ गया ग्राम में आ गया अब इसको आगे हल करने के लिए पहले हम टेबल बना लेते हैं इस प्रकार से टेबल बना लेंगे सीटों की संख्या ऊपर लिख लेंगे और सीटों का भार नीचे लिख लेंगे अब देखिए, बारह सीटों का भार कितना दिया है चालीस ग्राम तो यहाँ पर बारह सीट ये हो गई और इनका भार कितना हो गया चालीस ग्राम फिर इसके बाद कितनी सीटों का भार इतना होगा तो देखिए हम सीटों की संख्या को कितना मान लिए हैं एक मान लिए हैं और इस सीट का भार कितना है हमारे पास पच्चीस सौ तो यहाँ पर हम लिख लेंगे और पूर्व की भांति ही हम इन्हें बटे के रूप में पहले लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा बारह बटे चालीस बराबर यक्स बटे पच्चीस सौ अब हमको क्या करना है इसका तिर गुड़ा करना है तो तिर गुड़ा करने के लिए चालीस का गुड़ा यक्स में होगा चालीस गुड़े एक्स बराबर अब देखिए पच्चीस सौ का गुड़ा बारह में होगा तो यहाँ पर लिख लेंगे पच्चीस सौ गुड़े बारह अब देखिए चालीस का गुड़ा है इसको पक्षांतर करके हमको उस तरफ ले जाना है पच्चीस सौ गुड़े बारह चालीस का गुड़ा था यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा अब यहाँ से देखिए ये शून्य से ये शून्य क्या होगा कट जाएगा फिर इसके बाद चार तियाई बारह ये कट जाएगा अब हमारे पास शेष कितना बचा x बराबर दो सौ पचास गुड़े तीन फिर इसके बाद हमको क्या काम करना है इस दो सौ पचास में तीन का गूड़ा कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको 750 अतः सीटों की संख्या बराबर हम यक्ष माने थे और यक्ष का मान कितना आ आ तो आ गया गया 750 हमारा उत्तर अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक एक टंकी को एक घंटे बीस मिनट में भरने के लिए छ पाइपों की आवश्यकता पड़ती है यदि उसी प्रकार की पाँच पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी तो हम सबसे पहला काम इसमें मान लेते हैं माना टंकी को भरने में लगा समय बराबर यक्स ये मान लेते हैं अब इसके बाद हम टेबल बना लेते हैं तो इस प्रकार से हम टेबल बना लिए हैं अब प्रश्न को देखते हैं देखिए प्रश्न क्या कह रहा है एक टंकी को एक घंटे बीस मिनट में भरने के लिए छ पाइपों की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर पाइपों की संख्या में हम क्या लिख लेंगे छ लिख लेंगे फिर इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है समय के लिए एक घंटे बीस मिनट तो देखिए एक घंटे में साठ मिनट होते हैं और ये बीस मिनट और दिया है तो जब हम साठ और बीस को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा समय अस्सी मिनट हो जाएगा फिर इसके बाद यदि उसी प्रकार के पांच पाइपों का अब देखिए पाइपों की संख्या कितना दिया है पांच दिया है पांच पाइपों का उपयोग किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भरेगी तो हम यहाँ पर टंकी को भरने के लिए कितना समय मान लिए हैं यक्स मान लिए हैं अब इसके बाद इस प्रश्न को आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि ये प्रतिलोमानुपात वाली स्थिति है देखिए छः पाइप को भरने के लिए अस्सी मिनट का समय लगता है और पाँच पाइप तो देखिए छः से पाइप पाँच घट गई तो ये जो अस्सी है ये नहीं घटेगा क्यों नहीं घटेगा क्योंकि पाँच पाइप पाइप कम हो गई हैं तो समय क्या लगेगा ज्यादा लगेगा अगर इस तरह की स्थिति आती है तो उसे हम क्या कहते हैं प्रतिलोमा समानुपात की स्थिति तो यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है अब देखिए जब प्रतिलोम समानुपात की स्थिति नहीं होती थी तो हम क्या करते थे छ बटे अस्सी और पाँच बटे एक्स लिखा करते थे अब भी वैसे ही लिखना है पर अब बटे की जगह हम गुड़े के रूप में लिखेंगे जैसे गुड़े अस्सी और पाँच गुड़े यक्स. तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे छूढ़े अस्सी बराबर पाँच गुड़े अब इसको हम हल कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना है छ गुड़े अस्सी है अब इस पाँच का यहाँ गुड़ा है इसको पक्षांतर करके हम यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा और इधर कितना बचेगा यक्स बचेगा अब इसे हम पाँच से काट देते हैं तो देखिए पाँच एक कम पाँच तीन बच गया तो तीस हो जाएगा पाँच छका तीस तो इस प्रकार से ये कट गया तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास छ गुड़े सोलह बराबर एक अब इसके बाद सोलह और छ का गुड़ा कर देंगे तो सोलह छक्का क्या होता है छियानवे होता है बराबर में एक या फिर दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं एक बराबर छियानवे अब इसके बाद उत्तर लिख लेंगे अतः पाँच पाइप को भरने में लगा समय बराबर छियानवे क्या उत्तर अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक सात यदि किसी डिब्बे की मिठाई को चौबीस बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को पाँच मिठाइयाँ मिलती हैं यदि बच्चों की संख्या में चार की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी तो हमको ज्ञात करना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे माना मिठाइयों की संख्या बराबर एक अब इसके बाद क्या करते हैं टेबल बना लेते हैं तो इस तरह से आपको टेबल तैयार कर लेना है अब यहाँ देखिए चौबीस बच्चों को कितनी मिठाई मिलती है पाँच पाँच मिठाई मिलती है तो बच्चों की संख्या में हम चौबीस लिख लेंगे और मिठाई की संख्या में पाँच लिख लेंगे अब प्रश्न कह रहा है यदि बच्चों की संख्या में चार की कमी हो जाए मतलब पहले बच्चे चौबीस थे अब चार की कमी हो जाएगी तो बच्चे कितने बचेंगे बीस बच्चे बचेंगे अब बीस बच्चे हो जाने के बाद प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी तो हम मान लिए कि मिठाई कितनी मिलेगी यक्स तो यहाँ पर क्या लिख देंगे यक्स लिख देंगे अब यह सवाल भी जो है हमारा प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में है तो लिख लेंगे यहाँ प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है और प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में हम क्या करते हैं गुणा करते हैं तो चलिए इसको हल कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे चौबीस गूढ़े पाँच बराबर बीस गुड़े एक्स अब इसके बाद हमको क्या काम करना है बीस को पक्षांतर करके इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा चौबीस गुड़े पांच अब बीस वहाँ पे किस में था गुड़े के रूप में था यहाँ पे आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा और बराबर के इधर यक्स बचेगा अब इसे काट देते हैं तो देखिए पाँच चौके बीस ये कट जाएगा फिर चार से चार छंग चौबीस ये कट गया तो हमारे पास यक्स का मान कितना प्राप्त हो गया छः तो यहाँ पर लिख लेंगे हम छबर यक्स या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे लिख लेंगे एक्स बराबर छः अतः प्रत्येक बच्चे को प्राप्त मिठाई की संख्या बराबर हम यक्स माने थे और यक्स का मान कितना प्राप्त हो गया छः तो ये आ गया हमारा उत्तर अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक आठ यदि पंद्रह श्रमिक किसी दीवार को अड़तालीस घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को तीस घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी तो हम सबसे पहले मान लेते हैं माना आवश्यक श्रमिकों की संख्या बराबर यक्स। अब इसके बाद टेबल बना लेते हैं तो इस तरह से आप टेबल तैयार कर लेंगे ऊपर लिख लेंगे लगा समय घंटों में और नीचे श्रमिकों की संख्या प्रश्न क्या कह रहा है यदि पंद्रह श्रमिक तो श्रमिकों की संख्या कितना दिया है हमको पंद्रह दिया है और अड़तालीस घंटे यहाँ पर समय दिया है तो यहाँ पर हम अड़तालीस लिख लेंगे फिर प्रश्न कह रहा है उसी कार्य को तीस घंटे में पूरा करना है तो समय हमको कितना दिया है तीस घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी तो हम यहाँ पर मान लिए हैं कि माना श्रमिकों की संख्या क्या है यक्स है अब ये भी किस में है प्रतिलोम अनुपात में है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है अब प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में क्या करना है हमको इनका गुड़ा कर लेना है तो चलिए हल कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अड़तालीस गुड़े पंद्रह बराबर तीस गुड़े एक अब इसके बाद फिर हमको क्या काम करना है अड़तालीस गुड़े पंद्रह को लिख लेंगे अब देखिए तीस का यहाँ पे गुड़ा है इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा बराबर में एक अब यहाँ से देखिए पंद्रह एक कम पंद्रह पंद्रह दूनी तीस ये कट गया फिर दो से और काट देते हैं दो दूनी चार और दो चौके आठ तो इस प्रकार से कितना बच गया चौबीस बच गया तो यहाँ पर हम लिख देंगे चौबीस बराबर या फिर हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया चौबीस हो गया अब इसके बाद यहाँ पर उत्तर लिख लेंगे अतः आवश्यक श्रमिकों की संख्या बराबर हम कितना माने थे यक्स माने थे और यक्स का मान हमको कितना प्राप्त हो गया चौबीस तो ये आ गया हमारा क्या उत्तर अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक नौ एक कार एक स्थान तक पहुंचने में साठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर दो घंटे का समय लेती है अस्सी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं माना कार को लगा समय बराबर x अब इसके बाद हम टेबल बना लेते हैं तो इस तरह से आप एक टेबल तैयार कर लेंगे ऊपर चाल लिख लेंगे और नीचे समय लिख लेंगे अब प्रश्न को देख लेते हैं तो देखिए जो कार है वो साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दो घंटे का समय ले रही है तो चाल हमको कितना दिया है साठ दिया है और समय कितना दिया है दो दिया है फिर इसके बाद देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है अस्सी किलोमीटर की चाल से अब हमको चाल कितना दिया है अस्सी दिया है अस्सी किलोमीटर की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा तो कितना समय लगेगा हम यक्स मान लिए हैं अब यहां पर देखिए कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो दो घंटे का समय ले रही है अब कार जब 80 की रफ्तार से चलेगी तो समय क्या हो जाएगा और कम लगेगा तो देखिए, चाल क्या हो गई बढ़ गई और समय क्या हो गया कम हो जाएगा इसका मतलब ये क्या है प्रतिलोम समानुपात में है तो यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है और प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में क्या करते हैं हम ऐसे इन दोनों का गुड़ा कर लेते हैं तो चले यहाँ पर लिख लेंगे ये क्या हो जाएगा साठ गुड़े दो बराबर अस्सी गुड़े एक्स अब इसके बाद अस्सी को पक्षांतर करके हमको इस तरफ ले आना है तो ये हो जाएगा साठ गुड़े दो अस्सी का गुड़ा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा और बराबर के इस तरफ कितना है एक है अब यहाँ से देखिए शून्य से शून्य क्या होगा कट जाएगा अब इसके बाद हम इसे और काट देते हैं तो देखिए इसको हम दो से काटेंगे दो चौके आठ ये कट गया और दो एक कम दो ये कट गया फिर इसके बाद दो से काट देते हैं दो तिया छः और दो दूनी चार ये भी कट गया तो हमारे पास कितना बचा तीन बटे दो तो यहाँ पर लिख लेंगे तीन बटे दो बराबर एक या फिर दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे x बराबर तीन बटे दो अतः कार को लगा समय बराबर कितना प्राप्त हो गया हमको तीन बटे दो घंटे यदि आप चाहें तो इसे मिश्र भिन्न में भी बना सकते हैं मिश्र भिन्न में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तीन में आप दो का भाग दे देंगे तो देखिए दो एक कम दो तीन में से दो घट जाएगा तो कितना बचेगा एक अब इसे मिश्र भिन्न के रूप में कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर आ जाएगा एक फिर इसके बाद भाग किससे दिए हैं दो से उसको आपको नीचे लिख लेना है और जो शेष प्राप्त हुआ है उसको आपको ऊपर लिख लेना है तो एक सही एक बटे दो घंटे ये क्या आ गया हमारा उत्तर अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक दस रहमान तिलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है वह समान तिलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिलियों के युग्मों के बीच के कोड़ बराबर हैं निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो देखिए इस प्रकार से रहमान जो है एक पहिया बना रहा है और उसमें बीच में क्या लगा रहा है तिलियों को लगा रहा है और ये तिली को किस प्रकार लगा रहा है कि यहाँ पे जो कोड़ बन रहा है ये सभी कोड़ क्या होते हैं बराबर होते हैं जैसे इसमें देखिए तिलियों की संख्या कितनी दिया है चार दिया है और जब चार तिली होती हैं, तो कितने का कोड़ बनता है नब्बे अंश का यहाँ भी नब्बे अंश का यहाँ पे भी नब्बे अंश का यहाँ पे भी नब्बे अंश का उसी तरह इन सभी में यहाँ पे जितने भी कोण बन रहे हैं नब्बे नहीं बन रहे हैं पर जो भी बन रहे हैं ये सभी कोड क्या होंगे बराबर होंगे ये हमको टेबल में दिया हुआ है तो देखिए जब चार तिली का उपयोग करता है वो तो नब्बे का कोड बनता है छह तिली में साठ अंश का कोड बनता है अब आठ तिली में कितने का कोड बनेगा हम नहीं जानते हैं तो इसको हम क्या कर लेंगे एक्स मान लेते हैं फिर दस तिली में कितने अंश का कोड बनेगा ये भी हम नहीं जानते हैं तो इसको हम वाई मान लेते हैं बारह तिली में कितने का कोड बनेगा ये भी हम नहीं जानते तो इसको हम क्या मान लेते हैं जेड मान लेते हैं और फिर इसका क्या करेंगे मान निकालेंगे तो पहले हम क्या करते हैं एक्स वाई जेड इन तीनों का मान निकाल लेते हैं तो इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस तिलियों की संख्या और नब्बे का गुणा करते हैं तो जब हम चार का नब्बे में गुणा करते हैं तो हमको कितना प्राप्त होगा चार शून्यम शून्य और चार नेम छत्तीस तो कितना प्राप्त हो गया तीन सौ साठ इसी प्रकार हम और साठ का गुड़ा करते हैं तो और साठ का गुड़ा करने पर हमको कितना प्राप्त होगा छः शून्यम शून्य और छ का गुणा छः बार करेंगे तो कितना हो गया छत्तीस तो देखिए इन दोनों का गुणनखंड हमको कितना प्राप्त हुआ तीन सौ साठ तीन सौ साठ प्राप्त हुआ इसका मतलब इनका भी हम गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होना चाहिए तीन सौ साठ प्राप्त होना चाहिए तो चलिए पहले इसकी मदद से हम एक का मान निकालते हैं तो आठ और एक का गुणा करेंगे तो आठ गुणे बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए 360 प्राप्त होना चाहिए तो x बराबर 360 8 आठ का गुड़ा है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग अब इसको आठ से हम काट देते हैं तो आठ से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? आठ चौको 32 अब देखिए छत्तीस है इसका कितना बच जाएगा चार तो ये बन जाएगा चालीस आठ पंचे चालीस तो कट के हमको x का मान कितना मिल गया पैंतालीस प्राप्त हो गया तो यहाँ पर हम x बराबर कितना लिख देंगे पैंतालीस लिख देंगे अब इसी प्रकार हम वाई का मान निकाल लेते हैं तो देखिए दस और वाई इन दोनों का गुड़ा करेंगे हम तो दस और वाई का जब गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 360 प्राप्त होगा अब इसके बाद 10 का यहाँ पर क्या है गुड़ा है इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 360 सौ बटे दस अब यहाँ से शून्य से शून्य क्या होगा कट जाएगा तो y बराबर कितना बच गया हमारे पास 36। अब बटे के एक को नहीं लिखते हैं तो हमको y का मान कितना प्राप्त हो गया छत्तीस प्राप्त हो गया इसी प्रकार हम जेड का मान निकालेंगे अब देखिए इसी प्रकार बारह और जेड का भी गुणनफल कितना प्राप्त होगा तीन सौ साठ तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बारह गुड़े जेड बराबर तीन सौ साठ अब यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं कि बारह का जेड के साथ गुड़ा है इसको पक्षांतर करके उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जेड बराबर तीन सौ साठ बारह का गुड़ा था यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग अब इसे काट देते हैं बारह कम बारह बारह दून चौबीस बारह तियाई छत्तीस और बारह शून्यम शून्य तो इस प्रकार से हमको जेड का मान कितना प्राप्त हो गया तीस अंश प्राप्त हो गया अब यहाँ पर हम जेड बराबर में कितना रख देंगे तीस रख देंगे तो इस तरह से जो ये रिक्त स्थान था ये हम भर लिए अब हमको यहाँ पर दो प्रश्न भी दिए हुए हैं इन प्रश्नों को भी हल करना है पंद्रह तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिलियों के किसी युग्म का कोड बताइए तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कोड ज्ञात करना है तो इसको हम मान लेते हैं माना पंद्रह तिलियों वाले युग्म का कोड बराबर कितना है पी ये हम मान लेते हैं अब देखिए जिस प्रकार इन दोनों का गुणनफल कितना प्राप्त हुआ था हमको 360 और ये 360 इन दोनों का गुणनफल प्राप्त हुआ था उसी प्रकार 15 तिलियों का और इस पी का दोनों का गुणनफल कितना होगा 360 होगा तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15 गुड़े पी बराबर 360 तो पी का मान हमको ज्ञात करना है तो कैसे प्राप्त होगा तीन सौ साठ पंद्रह का गुड़ा है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग अब इसे हम काट देते हैं पंद्रह है एक कम पंद्रह अब इसको काट देते हैं पंद्रह है दूनी तीस छ बच गया तो ये शून्य साठ हो जाएगा पंद्रह चौको साठ तो इस प्रकार से हमको पी का मान कितना प्राप्त हो गया चौबीस प्राप्त हो गया तो ये आ गया हमारा पहले भाग के लिए उत्तर अब देखिए दूसरे भाग में प्रश्न क्या कह रहा है यदि क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोड इस बार ये हमको क्या दिया है कोड दिया हुआ है और हमको क्या ज्ञात करना है आवश्यक तिलियों की संख्या ज्ञात करना है तो हम मान लेंगे माना आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं क्यूँ मान लेते हैं अब देखिए पिछले सवाल की भांति ही यहाँ पर भी तिलियों की संख्या और इस कोड़ का गुणनफल कितना प्राप्त होगा 360 प्राप्त होगा तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि हमको चालीस बराबर इन दोनों का गुड़ा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 360 फिर इसके बाद क्या काम करेंगे इस 40 का यहाँ पे गुड़ा है इसको पक्षांतर करके हम उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा तीन सौ साठ चालीस का गुड़ा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा अब ये शून्य से ये शून्य क्या होगा कट कट जाएगा फिर चार नेम, 36, ये भी कट गया तो हमको Q का मान कितना प्राप्त हो गया नौ प्राप्त हो गया अतः आवश्यक तिलियों की संख्या हम Q माने थे और Q का मान कितना प्राप्त हो गया हमको 9 आशा करते हैं आज की वीडियो में बताए गए सभी सवालों के हल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे इसी तरह हमारी वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ